गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 AB। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो मैं आपको दो क्वेश्चन बता दिया हूं। मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 का, दो क्वेश्चन में बताया था, बोला था बाकी सब सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग सॉल्व किए हैं? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैसेज करके पूछ लेगा। क्लियर? ड्यूरिंग क्लास। ओके, नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सी राइट फर्स्ट टर्म। यहां पे कुछ एपीज दिए गए हैं, 3 का फर्स्ट हम देख रहे हैं, 3 1 -1 -3 .. लाइक दिस। ये क्या है? एपी है। क्या है? एपी। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन दिस एपी यू हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब इसका फर्स्ट टर्म में फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या मतलब, क्या जहां से ये स्टार्ट होता है, दैट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? A से। A is equal to 3. And now we have to find what common difference. Common difference को किससे डिनोट करते हैं? Small d से। Very good। तो common difference निकालते कैसे? T2 minus T1 इसमें से इसको subtract कर दो, या T3 minus T2 किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को subtract कर देते हैं, तो हमें common difference मिल जाता है। Clear? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1। तो यहां पे T2 है क्या? 1 है। माइनस T1 क्या है? 3। 1 माइनस 3 कितना आया? -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया? -2 हो गया। इस तरह से हमारा ये कॉमन डिफरेंस -2 एंड फर्स्ट टर्म इज 3, दोनों ही फाइंड हो चुका। दैट्स आंसर। एनी डाउट? कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म आपको राइट कर देना है। इजली यू कैन सी हियर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 1 माइनस 3, दैट्स ऑल। हमने सबट्रैक्ट कर दिया, -2 आ गया। क्लियर? एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इसी का दूसरा पार्ट जो है हम देख लेते हैं। दूसरा पार्ट तो इसी तरह से आप लोग कर लेंगे, बहुत ईजी है, और बाकी सारे क्वेश्चन भी ईजी है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड बता देता हूँ, तीसरा पार्ट बता देता हूँ आपको। तो तीसरा पार्ट आपको मिला है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह से ये आगे बढ़ जाता है, कंटिन्यूएशन में है एपी। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फाइंड ए, मींस फर्स्ट टर्म। क्या फाइंड करना है? ए। क्लियर? एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? डी, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है, दैट्स वेरी सिंपल। लिसन हियर, ए इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट होता है आपका एपी? दैट इज द फर्स्ट टर्म, 1/3 से। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर लिया। एंड नाउ हैव टू फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, सेम फॉर्मूला इज देयर। ठीक है, T2 क्या है यहाँ पे? 9/3 है, T3 कर देते हैं, T3 माइनस T2, हमने यहाँ पे T3 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। T3 माइनस T2 कर दीजिए तो भी आ जाएगा, T2 माइनस T1 कर दीजिए तो भी आ जाएगा। ये होता है ना कॉमन डिफरेंस। तो T3 माइनस T2 किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म, किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9/3 माइनस, ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, बहुत इजी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स भी सेम है, तो 9 माइनस 5 ये क्या हो गया आपका? 4/3, दैट्स आंसर।
ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3, ए हो गया 1/3, कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3, नो डाउट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी एक्सरसाइज का सेम एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के कई सारे पार्ट्स हैं, हमें लग रहा है 13 या 14 या 15 होगा, जो भी होगा देख लीजिएगा, अभी मैं हमारे पास बुक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, 4 का हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 4 में करना क्या है, लिसन, 4 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले पूछ रहा है कि एपी कौन कौन सा है, मतलब इनमें से एपी कौन सा है, क्या फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है 2, 4, 8, 16, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्या ये एपी है। हर पार्ट में आपको आंसर देना है कि क्या ये एपी है जो दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या ये एपी है, ठीक है, तो हमें चेक करना होगा। चेक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था, 2 times कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्लियर, 2 times कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस दोनों ही बार में सेम आता है, इसका मतलब ये एपी होगा, क्लियर। तो पहला हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है। दूसरा इसमें पार्ट है क्वेश्चन का, इफ एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 more terms, अगर ये एपी होता है देन यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद इसके आगे के 3 more terms भी फाइंड करो, ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले आपको करना है, चेक करना है एपी है कि नहीं। तो एपी है कि नहीं हम चेक करते हैं, लेट्स चेक, सी हियर, डी निकालते हैं, t2 - t1, 4 - 2, 4 - 2 क्या आ गया, ये डी आ गया। अगेन फिर से डी निकालते हैं, अब t2 - t1 किया था हमें, t3 - t2 कर देते हैं, t3 क्या है 8 है, t2 क्या है 4 है, 8 - 4 क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। सी हियर कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आता है और यहाँ सेम एपी में कॉमन डिफरेंस 4 आ जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। कॉमन डिफरेंस कहीं भी सेम आना चाहिए, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो मतलब उससे नहीं है, बट सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज हेंस .. is not an AP, हो गया, AP नहीं है। जब नहीं है तो इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर AP होता है तो इसके आगे के 3 terms आपको निकालने होते, बट ये AP है ही नहीं तो क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। नाउ इसी का हम देख लेते हैं, आपको देखिए ये अच्छे तरह से आपको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है क्या, 3, नेक्स्ट टर्म इज 3 + √2, नेक्स्ट टर्म इज 3 + √2, एंड नेक्स्ट इज 3 + √2। ये है आपका कंटिन्यूएशन में है, चेक करना, यू हैव टू चेक दैट वेदर इट इज एपी और नॉट, ये एपी है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे, सेम थिंग इज देयर, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 times। लेट्स स्टार्ट, डी इज t2 - t1,
टू ये हो गया टी टू, ये पूरा है, आप घबराएंगे नहीं, तो ऐसा आपको पता सोचेगा कि ये टी टू है तो ये क्या है, नहीं नहीं ये दोनों मिलकर टी टू है, क्लियर। टी टू माइनस टी वन क्या है, थ्री है, ठीक है कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, थ्री थ्री कैंसिल होकर बचता है हमारे पास रूट टू, इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला, रूट टू, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगेन फिर से हम यहां पे डिफाइन करते हैं टी थ्री माइनस टी टू, तो टी थ्री क्या है आपके पास, ये थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू, ब्रैकेट में रखेंगे उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस थ्री माइनस रूट टू, क्लियर, नो प्रॉब्लम, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, टू रूट टू माइनस रूट टू, रूट टू इन द सेंस रूट टू इसका मतलब वन रूट टू इज देयर, क्लियर। इस देखिएगा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट्स वेरी सिंपल, जैसे x को 1x लिखते हैं मतलब 1 हिडन होता है सब लोग जानते हैं, उसी तरह से रूट टू के पहले कुछ भी नहीं, इसका मतलब वन रूट टू इज देयर, क्लियर। तो टू रूट टू फाइनली भी है टू रूट टू माइनस वन रूट टू, क्लियर, तो वन रूट टू, टू माइनस वन वन, वन रूट टू इसका मतलब रूट टू, वन लिखना जरूरी नहीं है, हिडन होता है, तो डी इज इक्वल टू रूट टू। कंपेयर करके देखिए, यहां भी हमने डिफाइंड किया था टी टू माइनस टी वन तो रूट टू ही मिला था, यहां भी डिफाइंड किया टी थ्री माइनस टी टू तो भी रूट टू ही मिला, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, देन नो प्रॉब्लम इज देयर, इसका मतलब ये एपी है, तो हम लिख देंगे दिस इज एन एपी। अच्छा अब एपी है तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है, हमारे लिए क्वेश्चन बढ़ जाता है, क्या करना है, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, दैट वी हैव कॉमन डिफरेंस को हम निकाल ही चुके हैं। अब आगे बोलना जा रहा है फाइंड थ्री मोर टर्म्स, ओके, तो इसके आगे वाला टर्म्स निकालना है, क्लियर है, इसके आगे वाला टर्म कैसे निकालेंगे, वन टू थ्री फोर, चार टर्म आपको मिले हैं, तो टी फाइव निकालना है, नाउ वी हैव टू फाइंड टी फाइव, ओके, डी हमारे पास है हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, टी फाइव, टी फाइव का मतलब क्या, ए प्लस फोर डी, ध्यान देंगे टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अगर n है तो यहाँ n माइनस वन होगा, n की जगह 5 है तो यहाँ 5 माइनस वन, क्या लिखना जरूरी नहीं है, ये फार्मूला लिख के फिर दो बार तीन बार में करने की जरूरत नहीं है, 5 है तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, 5 है तो 4 लिख देना है, 3 है तो 2 लिख देना है, क्लियर, वन लेस, नो प्रॉब्लम, टी फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी, तो ए क्या है, 3 है, 4 डी, डी क्या है भाई, टू, दैट्स ऑल, वेरी इजी, 3 प्लस 4 रूट 2, तो इसी तरह से T5 तो हो गया, अब T6 देखते हैं, अब यहाँ पे T5 में देखें 4 रूट 2 आई है, डायरेक्ट लिखते हैं ना, T6 में क्या है, 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है, T5 हमने निकाला 5 था तो यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 6 तो 5 होगा, तो T7 क्या होगा, 3 प्लस 6 रूट, नो प्रॉब्लम, क्लियर, T7 क्या हुआ, 3 प्लस 6 रूट, इसके आगे के हमने तीन टर्म निकाल दिए, ठीक है, T5 T6 T7, क्लियर है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी हो गया, बाकी आप लोग करेंगे, इसके बाद एक और पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बच्चा पूछा भी था हमसे मैसेज के थ्रू, तो एक और पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अब हमारे पास है पार्ट 12, देखिएगा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, रूट 2 है उसके बाद रूट 8 है उसके बाद रूट 18 है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद रूट 32 है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, लिसन, तो सबसे पहले हमें चेक करना है दिस इज एपी और नॉट, ये एपी है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, एपी निकालने के लिए हम करते क्या है,
डी निकाल देते हैं टू टाइम्स, वेरी गुड। तो डी निकालेंगे भाई, चलिए देखते हैं, डी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन रूट एट माइनस रूट टू। समस्या हो गई हमारे सामने, रूट एट में से रूट टू, बहुत तो कंफ्यूजन में इसको रूट सिक्स लिख देंगे, रूट एट माइनस रूट टू रूट सिक्स हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले ये जो है ना रूट टू है, तो इसको भी रूट टू के फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे तभी सब्ट्रैक्ट होगा। रूट टू से रूट टू ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, रूट थ्री से रूट थ्री ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि रूट थ्री माइनस रूट टू सब्ट्रैक्ट करके रूट वन लिख दो, नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो रूट टू के फॉर्म में करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको फोर इंटू टू लिख देते हैं, क्योंकि टू लाना है हमें, तो फोर टू जाए एट, सॉरी माइनस। अब ये फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, फोर का स्क्वायर रूट तो टू होगा, सारी दुनिया को पता है, तो टू हो तो बाहर निकालेंगे टू को, ये टू अब रूट टू का स्क्वायर रूट नहीं पता है हमें, ये डेसिमल में आता है, टू जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये अंदर ही रह जाएगा, टू रूट टू हो गया, माइनस रूट टू हो गया। फिर वही क्वेश्चन आएगा, टू रूट टू माइनस वन रूट टू कितना होगा भाई, रूट टू, वेरी गुड। तो डी ये हमारा क्या हो गया, रूट टू हो गया, दैट्स ऑल। अगेन वी हैव टू फाइंड डी, टी थ्री माइनस टी टू, टी थ्री कितना है भाई, रूट एटीन है, हाँ वेरी गुड। इसके बाद टी टू रूट एट है, क्या करेंगे अब, एट के फॉर्म में नहीं, अब दोनों को टू टू के फॉर्म में कर देते हैं, ये एट से डिविजिबल नहीं है, एट इंटू कितना, एटीन पाने के लिए कुछ नहीं, एट से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम करते हैं ऐसा, नाइन इंटू टू लिख देते हैं, नाइन टू जाए एटीन, और इसको लिख देते हैं फोर इंटू टू, देखिए एक चीज कॉमन हमने लिखा है, ठीक है, तो नाइन का स्क्वायर क्या होगा, थ्री होगा, थ्री बाहर गया, फोर का स्क्वायर क्या हुआ, टू होगा, टू भी बाहर गया, ये दोनों में टू अंदर रह गया आपका शॉर्ट के अंदर हो गया, थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू कितना होगा, वन, वन रूट टू, फिर से हमारे पास डी का हमें क्या मिला, रूट टू, बहुत अच्छा, इसका मतलब ये ए पी है, यहाँ पे हम सही चल रहे हैं, डी फाइंड किया हमने टू टाइम्स, दोनों ही बार में डी सेम आया है, इसका मतलब ये ए पी है, अगर ए पी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आप फाइंड कर लेंगे, क्लियर है, नो डाउट, ओके। तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं कुछ हमने बता दिए हैं, इसका हेल्प लेकर के बाकी सारे आप करेंगे, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो ड्यूरिंग क्लासेस यू हैव टू आस्क, ओके, गुड बाय।